हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी विद रीना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणपति जी का सिंहासन बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमें जो जो मटेरियल चाहिए, जैसे ये कार्डबोर्ड चाहिए, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे राउंड शेप में, जैसे जो केक वगैरह आता है उसके मैंने रखे हुए थे राउंड के। उसके बाद ये कटर चाहिए, ग्लिटर पेपर चाहिए, और ये एक वेलवेट पेपर चाहिए, सीजर चिपकाने के लिए फेविकॉल, और कुछ सीक्वेंसेस चाहिए। तभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये राउंड शेप में हम कार्डबोर्ड लेंगे। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कार्डबोर्ड पे एक राउंड शेप का जितना आपको चाहिए बड़ा उस हिसाब से आप काट लीजिए। फिर उसको हम ये उसके नीचे पैर बनाना बताएंगे। इसके थोड़ा ऊंचा करना है इसे, तो इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, और एक साइड से आप देख रहे होंगे ये मैंने थोड़ा कट किया है, निकाला है उसे, उसे हमने जॉइंट करना है, और दूसरी साइड से मैंने कट डाला है, ये हमें थोड़ा इसे ऐसे निकाल लेना है ताकि जब हम इसे जॉइंट करें तो ये मोटा पतला ना हो। तो हम एक ऐसे राउंड लेंगे कोई चीज़, उसका हम ऐसे राउंड बना लेंगे। तो ये मैंने ये कट लगाया हुआ है, उसको हम यहाँ फेविकोल लगाएंगे, इसको ऐसे चिपका देंगे। थोड़ा टाइम लेगा चिपकने को। अभी ये चिपक चुका है, अभी हम इसके ऊपर गम लगाएंगे। कुछ भी लगा सकते हैं आप, गम लगाओ, फेविकोल लगाओ, जो भी जिससे भी चिपक जाए। अच्छे से लगाएंगे। सारा इसको फैला लेंगे, और ये वेलवेट पेपर लेंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर ऐसे इसको चिपका देंगे। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें चार बनाने हैं। इसके बाद हम वेलवेट पेपर लेंगे, और ये राउंड जो हमने बनाए हुए हैं ये राउंड इसको राउंड शेप में काट लेंगे। ये देखिए हमने राउंड लगा लिया है, अब इससे हम कट करेंगे। कट हो गया है, अभी हम इसके ऊपर चिपका देंगे, अच्छे से ग्लू लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया। अब हम इसके उल्टी साइड ये जो हमने राउंड चारों बनाए हैं इसको ग्लू गन की सहायता से ऐसे ग्लू गन लगा के अच्छे से
दो इस साइड लगाएंगे। ये देखिए हमने चारों लगा दिए हैं। अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे तो ये हमारा सिंहासन का बेस बन गया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। ये ग्लिटर पेपर है, इसके हम ग्लू की सहायता से ऐसे गन की सहायता से ऐसे गम लगा के इसको चारों ओर लगा देंगे। देखिए ये हमने ये लगा दिए ग्लिटर, ग्लिटर पेपर को काट के यहाँ लगाया हुआ है। अब ये इसका बेस बन गया है। अब ये हम इसके बैक साइड का बनाएंगे, उसको हम कार्डबोर्ड पे काटेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया है डिजाइन, तो हम कार्डबोर्ड पे ये पूरा ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ हो गया है, अब हम इसे काटेंगे। ये कट गया है, अभी हम ये वेलवेट पेपर पे इसे उल्टा करके फिर से ड्रॉ करके इसी साइज का काट लेंगे। ये कट के रेडी है अभी वेलवेट पेपर भी। अभी हम इस पे इसको चिपका देंगे। तो पहले हम ऐसे गम लगाएंगे जैसे पहले हमने किया। अब ये हमारा बैक साइड बन के रेडी है। ये देखिए ये बैग का भी बन के रेडी है। अभी हम इसे भी यहाँ पे ग्लू गन की सहायता से ये एक ग्लिटर की पट्टी लगाएंगे, पूरे में ऐसे लगा देंगे। अब ये बन के रेडी हो गया है। देखिए अभी हम इसे इस पे फिक्स करेंगे ऐसे। इसको हम ग्लू लगाएंगे अच्छे से। फिक्स कर देंगे। ये यहां लटकन लगाएंगे ऐसे। ये पूरे से ये सीक्वेंसेस इधर लगाएंगे। ये देखिए ऐसे सारे में हम लगा देंगे। अब ये लग गए हैं सारे बीड्स। लगने के बाद ये ऐसा दिख रहा है देखिए। उसके बाद हम यहां भी ऐसा ही डेकोरेशन करेंगे और सेंटर में एक राउंड लगाएंगे। जैसे ये ग्लिटर है इसके पीछे मैंने ये डिजाइन बनाया है, इसको कट करके यहाँ सेंटर में लगाएंगे। ठीक हो, ये बन के रेडी हो गया है। देखिए अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे।
नीचे। अब ये सही डेकोरेशन इधर करते हैं। देखिए दोस्तों बनने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। ये बनाना कितना ही इजी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।